जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बोलो सरस्वती मैया की जय। बुद्धि की अधिष्ठात्री सरस्वती मैया की उपासना तो छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को नित्य करना चाहिए। उनमें भी विशेष करके जो भी विद्यार्थी काल में स्टूडेंट्स लाइफ में है, चाहे बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, उनको तो नित्य सरस्वती माता के मंत्रों का जाप, उनकी स्तोत्र का पाठ नियम पूर्वक करना चाहिए। कैसे करें वो मैं बताने का निवेदन कर रहा हूँ। ये सरस्वती अष्टाक्षर मंत्र है। इसी मंत्र को जो है भगवान श्रीमन नारायण जी ने वाल्मीकि जी को दिया था, जिस मंत्र का अनुष्ठान करके वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि बन गए, कवित्व का सारा गुण उनके अंदर भर गया, जिसका अनुकरण करके हम सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। वही मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल है, उसका नित्य प्रयास कीजिएगा। कम से कम 11 माला कीजिएगा। 11 माला नहीं भी हो सकता है तो एक माला अवश्य कीजिएगा। हाँ, जिन बच्चों की बुद्धि स्लो है अथवा वो गति नहीं जिस गति से होनी चाहिए, तो उनको प्रयास करके एक बार जीवन में 400,000 बार जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और 400,000 बोले तो 400,000 तो जप हो गया, और 40,000 जो है उसके हवन के निमित्त, तो 440,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए स्वयं। लेकिन हाँ, अगर नहीं कर सकते हैं तो आचार्य पुरोहितों के द्वारा भी करा सकते हैं। अब हम इसकी विधि बताते हैं। तो विधि ये है कि सर्वप्रथम हमें स्नान त्याग करके हमें आसन पर बैठ जाना चाहिए। आसन कैसा होना चाहिए? ऊनी आसन होना चाहिए, जिसको कंबल भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा आसन नहीं है तो कंबल बाजार में मिल जाएगा, तो शॉल मिल जाएगा, जो ऊनी हो वही लीजिएगा, उसके ऊपर में बिछा के बैठ जाइएगा। और काला ना हो, ना लाल हो, पीला हो, सफेद हो, तो कहना ही क्या है। स्वयं का कपड़ा भी जो है सफेद वस्त्र धारण करके आप कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी लाइफ में इतना सारा उनके पास समय नहीं है, तो जो भी कपड़ा आपको उपलब्ध है आप पहन रहे हो वो धुला हुआ होना चाहिए। एक बार पहनने के बाद में दोबारा धोने पर ही वो कपड़ा शुद्ध होता है। हाँ, हालांकि ऊनी शॉल वगैरह है, ये सब स्वेटर है, ये सब जो है बार बार धोने की आवश्यकता नहीं होती है, पर जैकेट नहीं चलता है, ऊन का बना हुआ जैकेट चल सकता है। तो आप बैठ गए, और अगर घर में मैया की तस्वीर है तो उनको पोछ दिया, टीका लगा दिया, दिया जला के रख दिया, उतना सब भी कुछ नहीं कर पाया, तो आप आसन पर बैठ गए। और एक ऐसा पंचपात्र हो, इसको पंचपात्र बोलते हैं, इसको आचमनी बोलते हैं, ऐसा है जिसमें जल ले लिया, नहीं तो कटोरी में जल रख लिया, एक चम्मच रख लिया, और लेफ्ट हैंड से जल लेकर के राइट हैंड के बीच में रखा, एक बार पिया, ओम केशवाय नमः, दूसरी बार ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार ओम माधवाय नमः, और इसे हाथ धो लिया, साइड में धो लिया, रुमाल वगैरह रखे थे तो हाथ पोछ लिया। इसके बाद में पुनः जल लेकर के ओम पुंडरीकाक्षाय नमः जल छिड़क लिया। इसके बाद में ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी को नमस्कार कर लिया, हे गणेश जी महाराज हमारे जप को पूर्ण करो। और उसके बाद में माला लिया, तो माला हमारे भाई बहन ये रुद्राक्ष का होना चाहिए, और माला का ये गुहा हुआ होना चाहिए, यानी कि हर एक दाना के बाद में ये गांठ होनी चाहिए, आप देख रहे होंगे ना, मैं हर एक दाने के बाद में गांठ है। और ये जो इसको अगर आप गुहाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ये सामान्य धागे में ना हो करके रेशम का धागा पीला हो अथवा सफेद धागा हो, उसमें इसको जो है जहां भी सोने की बड़ी दुकानें होती है उसके बाहर कारीगर बैठे रहते हैं, वो इसको आप देंगे, वो गुह देंगे, मतलब हर एक दाने के बाद में गांठ बांध देंगे इसको ला करके। और उसके बाद में बाजार से 10 रुपए का गंगा जल मिल जाएगा, उससे धो करके रख लीजिएगा। मेरे भाई बहन, जाप जो है ऐसे खुले में नहीं करना चाहिए, ना बोल के करना चाहिए, मुख से जो है बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, उन मंत्रों को अंदर ही जाप करना है। और अगर ऐसा कोई जपमाली है तो उसके अंदर रख करके जाप कीजिएगा। इसमें कई प्रकार के आते हैं, पर ऐसा रख करके, क्योंकि इस उंगली का प्रयोग नहीं है। अगर ऐसा जपमाली नहीं है तो आपके पास दुपट्टा है या उपरना अथवा गमछा है, तो ऐसा लेकर के उसके अंदर भी ढक के कर सकते हैं, जब तक आपको जपमाली प्राप्त नहीं होती है, या ऊपर से एक अलग से गमछा रख के ऐसा ढक करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम जप प्रारंभ करेंगे। तो ये मंत्र क्या है? मंत्र है श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। तो इसके पहले जो ये मंत्र है, मन से ही नमस्कार कर लीजिएगा, श्रीम ह्रीम
सरस्वती स्वाहा ऐसा करके माँ सरस्वती नमः नमस्कार करके और फिर माला लेकर के जाप करना है। तो जाप कैसे करना है, राइट हैंड का जो सेकंड फिंगर है इसके ऊपर में रखना है इसे और बीच वाली उंगली से तीसरी उंगली से लीड करना है। जैसे श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, 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 ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। अब जैसे ये मान लिया पूरा क्रॉस करके यहाँ आ गया ना, यहाँ आ गया तो आने के बाद में इसको क्रॉस नहीं करना है, यहाँ से रिवर्स ले लेना है इसे, फिर यहाँ से और गिनती के लिए कोई आप क्वाइन रख लीजिएगा, वो क्वाइन को एक रख दिया तो ऐसे 11 कर सकते हैं और एक करना है तो वो लेने की आवश्यकता नहीं है। जब माला पूरा हो जाए तो माला इसे माथे लगा के नमस्कार करके और हाथ में जल लेकर के कि हे माँ ये जो हमने जाप किया है वो आपको अर्पण हो, तो ऐसा करके और नीचे जल छोड़ दीजिएगा, एक चम्मच जल और नीचे छोड़ करके आसन के नीचे ऐसे टच करके ओम शंकराय नमः जो है यहाँ लगा लीजिएगा। और इसके बाद में आप जो सरस्वती जी का द्वादश नाम है इसका जो है एक बार पाठ कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है अब हमें सात्विकता से रहना चाहिए और अगर हम विशेष अनुष्ठान 11 दिन इत्यादि का कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो कहूंगा नित्य सात्विकता से रहना चाहिए। आप सरस्वती मैया को मानते हैं या जप ना भी करते हैं तो कभी भी कोई पुस्तक है उसमें भी धार्मिक पुस्तक है, गीता जी है, रामायण जी है, श्रीमद् भागवत है, कोई भी ऐसी पुस्तक है उनको अपने से नीचे नहीं रखना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए, कोई काष्ठ मतलब लकड़ी के ऊपर रखना चाहिए, ऊपर एक कपड़ा बिछा के रखना चाहिए। आप रास्ते में भी जा रहे हैं तो आप मान लिया आप फ्लाइट में भी जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं तो अपने बर्थ के नीचे मत रखिए, ऊपर उनको ग्रंथ को रखना चाहिए। यही नहीं आपके जो विद्यालय के भी पुस्तक है उनको भी सदैव सम्मान देना चाहिए, या आज के समय में लैपटॉप कंप्यूटर भी आपके जीवन का एक माध्यम है तो उस रूप में भी उसको भी इधर उधर अत तत नहीं फेंकना चाहिए। और स्पेशली उसमें जो अगर ऊपर में माँ सरस्वती इत्यादि का चित्र है तो उसको भी हमें पैरों के पास न रहे, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सरस्वती जी की कृपा प्राप्त हो, इसमें जो कोई आपको मन में दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। नित्य ना कर पाए तो सरस्वती जयंती को अवश्य 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 कीजिएगा। जय श्री राम।